नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण सभी धाराओं को देखेंगे जिसमें कि आपके एग्जाम में सवाल बनने की ज्यादातर संभावना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरे एविडेंस एक्ट के सार को इसमें रखा गया है और आपके लिए यह काफी महत्वपूर्ण है, जहां से सवाल आपके 3 से 4 जो भी सवाल इंडियन एविडेंस एक्ट में पूछे जाएंगे वो इस वीडियो में सभी समाहित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि क्या ओवरव्यू है, मतलब कि इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं, नॉमिनल उन सब चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस अधिनियम का नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। और इसमें क्या है? इसमें कुल 11 अध्याय हैं और सेक्शन कितने हैं? तो 167, कुल 167 धाराएं हैं। और यह जो है संपूर्ण भारत में लागू है, जब से आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 हट गया है। पहले यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता था, लेकिन अब यह संपूर्ण भारत में लागू है। अब इसकी लागू जो तिथि है वो 1 सितंबर 1872 है। चलिए, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अब महत्वपूर्ण धाराओं को। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण धारा है वो है निर्वचन खंड के बारे में। निर्वचन खंड, इंटरसपेशन क्लॉज जिसको कहते हैं, ये धारा 3 में, सेक्शन 3 में निर्वचन खंड के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट धारा है वो है स्वीकृति की परिभाषा, एडमिशन इज डिफाइंड। क्वेश्चन पूछा जाएगा इन विच सेक्शन ऑफ आईईए एडमिशन इज डिफाइंड, या एडमिशन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईईए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सेक्शन 17 में जो है एडमिशन की परिभाषा दी गई है स्वीकृति। देखिएगा, दो शब्द है इंडियन एविडेंस एक्ट में, स्वीकृति और संस्वीकृति। दोनों से संबंधित धाराएं अलग अलग हैं, तो यहाँ पर एडमिशन इज डिफाइंड स्वीकृति की परिभाषा सेक्शन 17 में दी गई है। आगे जो महत्वपूर्ण धारा है वो है उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होगी? कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, मतलब कि उसे इंड्यूसमेंट धमकी दिया गया, थ्रेट उत्प्रेरणा, और प्रॉमिस व्हेन इरिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब उत्प्रेरणा, धमकी और वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति, ठीक है, वो कब, कन्फेशन कब जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इरिलेवेंट होगा, मतलब अगर किसी अपराधी को पकड़ करके जबरदस्ती उसे धमकी दे करके, उसको उत्प्रेरित करके, इंड्यूसमेंट करके अगर उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिया जाता है वो इरिलीवेंट है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या कौन सी धारा बताती है आईए की? तो ये सेक्शन 24 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। आगे जो महत्वपूर्ण धारा है वो है पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जरूर छपेगा। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, ये किस धारा में है? तो ये सेक्शन 25 में इसके बारे में बताया गया है, किसमें? इंडियन एविडेंस एक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। चलते हैं आगे की महत्वपूर्ण धाराओं में। उसमें यह बताया गया है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना, मतलब कन्फेशन बाई एक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, मतलब कि अगर पुलिस कस्टडी में एक्यूज है और उसे प्रताड़ित करके, मार करके पुलिस किसी प्रकार की संस्वीकृति देती है तो वो क्या है, उसके अगेंस्ट में प्रूफ के तौर पर यूज नहीं होता है। तो यह कौन सी धारा बताती है? ये धारा 26 में इसके बारे में बताया गया है, स्पेशल 26, सेक्शन 26 में इसके द्वारा ये बताया गया है कि कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। आगे देखते हैं अगला जो है, वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि,
सेक्शन 32 है उसका यह हेडिंग है कि कॉज इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड ईटीसी। इसके बारे में जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 में बताया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका 32 का एक है जो आगे कवर किया गया है। आगे जो है जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, तो सवाल ये पूछा जाता है कि मृत्यु मतलब मृत्यु शैया पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा दिया गया कथन जो है वो एक सबूत के तौर पर यूज होता है, वो किस एविडेंस एक्ट में है? ये सेक्शन 32 के क्लॉज 1 में है, VVI, ये आना ही आना है आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट विशेषज्ञ की राय ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 45 में बताया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के। आगे है हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को जब हम लाते हैं हैंडराइटिंग को वेरीफाई करने के लिए, ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रिलेवेंट, ये किस धारा में है? तो ये आपको सेक्शन 47 में बताया गया है, सेक्शन 47 में इसके बारे में बताया गया है। आगे जो महत्वपूर्ण धारा बनता है वो है मौखिक साक्ष्य तथ्यों का साबित किया जाना, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंसेस। एविडेंसेस दो प्रकार से, एक लिखित एक ओरल, अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी जुड़ने लगे हैं जब से इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग होने लगा है, नहीं तो पहले मौखिक और लिखित दो ही प्रकार के साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता था। तो क्या दिया है, प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंसेस, ये किसमें है? सेक्शन 59 में इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण है वो है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, मतलब जो भी ओरल एविडेंसेस होंगे मस्ट बी डायरेक्ट, मतलब उन्हें प्रेजेंट होकर के देना होता है मौखिक साक्ष्य। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में हम इलेक्ट्रॉनिक में वीडियो कॉल के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी उस मौखिक साक्ष्य को प्रत्यक्ष के तौर पर उपयोग करते हैं। तो यह किस धारा में बताया गया है, ये बताया गया है सेक्शन 60, सेक्शन 60 में इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत, मतलब प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो है प्रूफ क्या है उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु, इसमें क्या बताया गया है, ये सेक्शन 61 में इसके बारे में बताया गया है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आगे आएंगे हैं प्राथमिक साक्ष्य, दो तरह के साक्ष्य हैं, प्राइमरी साक्ष्य और सेकेंडरी साक्ष्य, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य किस धारा में बताया गया है, ये 62 में बताया गया है, एंड इसके ठीक बाद सेकेंडरी एविडेंस द्वितीय साक्ष्य के बारे में बताया गया है वो है सेक्शन 63 में। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसे प्राइमरी एविडेंस कहते हैं, लेकिन जो जेरॉक्स होता है उसका उसे हम सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर उपयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आगे की महत्वपूर्ण धाराओं को। आगे जो महत्वपूर्ण धारा है वो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले डॉक्यूमेंट ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, दस्तावेजी साक्ष्य और ओरल साक्ष्य होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक के दुनिया में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को भी, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी रखा गया है। ये किस सेक्शन में बताया गया है, तो ये 65 के बी में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के बारे में। आगे चलते हैं तो सबूत का भार, मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्डन ऑफ प्रूफ किस धारा में है, किस धारा में यह परिभाषित है, तो सबूत का भार जो है सेक्शन 101 में इसको परिभाषित किया गया है। एंड आगे चलेंगे कि सबूत का भार किस पर होता है, ऑन हूम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, सबूत का भार इस धारा में ये बताया गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इस धारा में समझने में, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम आपके लिए डिटेल में इसका वीडियो लाएंगे तो हम बताएंगे कि सबूत का भार किस पर होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम लोग लाइन टू लाइन डायरेक्ट टू डायरेक्ट देख रहे हैं, तो सबूत का भार किस पर होता है, ये सेक्शन 102 में बताया गया है, ऑन हूम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट, वो है विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पार्टिकुलर फैक्ट्स के बारे में बताता है। ये किस धारा में, ये सेक्शन 103 में बताया गया है विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार।
आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। जो भी विटनेसेस हैं उनको साक्ष्य को किस क्रम में उसको पेश करेंगे, उनका क्रम के बारे में बताया गया है किस सेक्शन में, तो ये है सेक्शन 135 में इसके बारे में बताया गया है, सेक्शन 135 इंडियन एविडेंस एक्ट में इसके बारे में बताया गया है। और इसका निर्धारण जो है वो क्या है, वो जज करता है या फिर जिस प्रकार से उसमें विटनेस का नाम होता है, विटनेस एग्जीबिशन में जिस प्रकार से उसका नाम होता है उस प्रकार से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। आगे जो इम्पोर्टेंट धारा है वो है मुख्य परीक्षा, जिसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किस धारा में बताया गया है, इसे सेक्शन 137 में बताया गया है, मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ। तो इसमें मुख्य परीक्षा दो तरह से होता है, एक तो क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, इस तरीके से जो है एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाता है। आगे जो है परीक्षाओं का क्रम, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, ये किस धारा में बताया गया है, ये सेक्शन 138 में ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं जो वो है लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न, मतलब जैसे कोई घटना हुई है, चोरी की घटना हुई है, आप विटनेस में, सीधा लीडिंग क्वेश्चन होगा, उस रात आप कहाँ पर थे, आप इस समय पर कहाँ पर थे, ये एक तरह से क्या हुआ, लीडिंग क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन को लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। तो लीडिंग क्वेश्चन किस धारा में परिभाषित है, सेक्शन 141 में लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अब आगे कौन से इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये छपेगा आपके एग्जाम में, स्मृति ताजी करना, रिफ्रेशिंग मेमोरी, किस सेक्शन में है, तो ये सेक्शन 159 में रिफ्रेशल ऑफ मेमोरी या रिफ्रेशिंग मेमोरी, स्मृति ताजा करना के बारे में बताया गया है। एंड उसके बाद स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में, प्रतिपक्षी का अधिकार, जो हमारा प्रतिपक्षी है, राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग टू रिफ्रेश मेमोरी, कि वो किस प्रकार से अपने मेमोरी को रिफ्रेश करेगा, उसके बारे में किस सेक्शन में बताया गया है, तो वो बताया गया है सेक्शन 161 में बताया गया है इसके बारे में, स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। आगे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है दस्तावेजों का पेश किया जाना, मतलब कि इसी प्रकार के स्मृति में जो भी दस्तावेज है उन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है, वो है किस धारा में, यह है सेक्शन 162 में इसके बारे में बताया गया है। आगे जो है वो सबसे अंतिम धारा है साक्ष्य अधिनियम का, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा, नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रोपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, किस धारा में बताया गया है, तो ये सेक्शन 167 में इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट के जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिससे सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे उसको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इंडियन एविडेंस एक्ट अपना बाकी था, उसे मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।